वर्ल्ड फार्मासिस्ट डे के अवसर पर खरगोन जिला अस्पताल में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, साथ ही ऑक्सीजन की कमी को देखते हुए वृक्षारोपण भी किया गया। हम आपको बता दें कि कोरोना काल के चलते ब्लड और ऑक्सीजन की कमी से लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ा था। इसी को ध्यान में रखते हुए ब्लड डोनेट कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस दौरान स्वास्थ्य विभाग के CHMO सिविल सर्जन सहित प्रबंधन के कर्मचारी बड़ी संख्या में मौजूद रहे, जिन्होंने रक्तदान करके लोगों के स्वास्थ्य के लिए कामना की है। खरगोन से जयंत गुप्ता की रिपोर्ट। आज फार्मासिस्ट डे है, वर्ल्ड फार्मासिस्ट डे, जिसके उपलक्ष्य में हमारे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल से सारे फार्मासिस्ट लोग इकट्ठा हुए हैं। CMHO साहब, CS साहब, डॉक्टर्स, स्टाफ नर्सेस, इन लोगों ने सभी ने फार्मासिस्ट डे पर ढेर सारी बधाइयाँ दी है। और इस उपलक्ष्य में हमने डोनेशन, ब्लड डोनेशन का, प्लांटेशन का प्रोग्राम रखा है डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में। अभी वृक्षारोपण होने के बाद ब्लड डोनेट किया जाएगा, वहाँ पे कार्यक्रम रखा है, जो कि सारे फार्मासिस्ट हमारे महेश्वर से, कसरावर से, गोगावर से, इन डिस्ट्रिक्ट का CMHO। क्या सोच क्या है इसके पीछे? ये सोच है कि सभी सुरक्षित रहें, स्वच्छ रहें, सभी लोगों को अच्छी दवाइयाँ उपलब्ध हो, ये हमारी सोच है। और कार्य करने के लिए मतलब ये हर अच्छा कार्य करे फार्मासी डे के में ये उपलब्धता है। क्या नाम है आपका? मैं राजकुमार गुप्ता, सीनियर फार्मासी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल खरगोन। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।